नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल डीकेटी क्लब में। तो फ्रेंड्स, आप सभी ने मेरी पिछली जो वीडियो थी कि जिसमें मैंने आपको बैटरी को ओपन करके दिखाया था कि बैटरी में क्या होता है, इसी तरह आपके बहुत सारे कमेंट थे कि भाई आपके पास बहुत सारी मोटर रखी हुई हैं और आप बताइए कि मोटर के अंदर भी क्या होता है और कुछ अलग टाइप की मोटर होनी चाहिए। जैसे मेरे पास ये सादा मोटर है इस तरीके की, तो ये तो सबके पास होती हैं और सभी इनको खोल के देख लेते हैं कि इनके अंदर क्या होता है। फ्रेंड्स, तो मेरे पास कुछ अलग टाइप की मोटर हैं, अलग डिफरेंट टाइप की, और मैं उसे भी ओपन करके दिखाऊंगा। जैसे एक ये सिंक्रोनस मोटर है, ये भी एक मोटर होती है, एक गियर मोटर है और कुछ ड्रोन की मोटर है छोटी वाली, कुछ वाइब्रेशन की मोटर है अलग अलग। तो मैं इन सभी मोटर को अलग अलग तरीके से आपको खोल के दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पांच टाइप की मोटर ले ली है और मैं इनका यूज बता दूंगा आपको पहले खोलने से पहले। ये होती है सिंक्रोनस मोटर और ये 220 वोल्ट पे दोनों साइड घूमती है। अगर आप इसको पकड़ के रखोगे तो ये इधर घूमने लग जाएगी और इधर से पकड़ लोगे तो इधर घूमने लग जाएगी। और इसका जो यूज है वो कूलर वगैरह में जो पंखुड़ी होती है अगली वाली हवा को इधर उधर करती है उसमें यूज होता है। या आपने शादियों में देखा होगा जिसमें फल रखे होते हैं, प्लेट घूमती है इस तरीके से फ्रूट शॉप पे, तो उसके नीचे यही मोटर लगी होती है। और यह एक गियर मोटर, अपने इसको तो सभी टॉयज के अंदर देखा होगा, ज़्यादातर जो रोबोटिक्स और टॉय घर पे हम बनाते हैं, ब्लूटूथ कार वगैरह, तो उसके अंदर ये वाली मोटर यूज होती है और ये 3 वोल्टेज से चलती है फ्रेंड्स। उसके बाद है फ्रेंड्स अपनी ये ड्रोन की मोटर, जो अपने छोटे वाले ड्रोन होते हैं उसके अंदर हम इसी मोटर का यूज़ करते हैं। ये काफ़ी छोटी मोटर है, ड्रोन की मोटर है, आप देख सकते हो इसको। इसके बाद है अपनी एक वाइब्रेटर मोटर, ये अपने मोबाइल में वाइब्रेशन के लिए यूज होती है, जो अपना मोबाइल कॉल आने पर वाइब्रेट करता है उसमें जो है इसी मोटर का यूज़ करते हैं। इसमें जो हाफ इसकी पुली होती है इसको हाफ लेते हैं, फुल नहीं लेते, जिससे कि इसका जो है अनबैलेंस होने से ये वाइब्रेशन करती है। अगर इसमें फुल लगा दी तो ये बैलेंस हो जाएगा दोनों साइड, तो इसीलिए इसको अनबैलेंस रखने के लिए इसमें एक हाफ पुली दी होती है। और अपनी जो लास्ट की मोटर है ये भी एक वाइब्रेशन मोटर है, ये एंड्रॉयड या बड़े फ़ोन में होती है जहाँ पर स्पेस की कमी होती है, तो वहाँ पर इस तरीके की मोटर का यूज़ करते हैं। तो इनको खोल के देख लेते हैं और ये सभी मोटर अपनी जो है चालू कंडीशन में एकदम। तो मैं इसको खोल लेता हूँ प्लायर की मदद से यहाँ से। तो ये मैंने चौड़ा दी और इसको खोल लेता हूँ यहाँ पे मैं। तो ये बाहर निकल के आ गई, इसके अंदर होते हैं गियर इस तरीके से, आप देख सकते हो। ये तभी इतना ज़्यादा टॉर्क देती है, लो आरपीएम की होती है। अब इसको यहाँ पे चला के दिखा दूँ एक बार और इसको यहाँ पे कि ये चलेगी या नहीं चलेगी। तो मैं इसे 220 वोल्टेज से कनेक्ट कर लेता हूँ अपने जो है मेन लाइन के 220 वोल्टेज उससे। तो यहाँ पे कर ली कनेक्ट और मैं इसे जो है अपने बोर्ड में लगा दूंगा। आपको यहाँ पे संभल के रहना है, आपको शॉर्ट ना लग जाए। तो ये देखिए इसके अंदर मैकेनिज्म गियर चलने लग गया, 220 वोल्टेज से चल रही है और आप देख सकते हो ये कितनी तेज़ घूम रहा है, उससे कम ये, उससे कम ये और उससे कम ये। अगर फिर हम इसमें भी लगा देंगे तो यहाँ पे और आरपीएम कम हो जाएंगे ये। तो इस तरीके से इसके अंदर ये मैकेनिज्म है आरपीएम को कम करने के लिए, आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से वर्क कर रही है। लेकिन जो अपनी इच्छा है वो अभी यहीं ख़त्म नहीं हुई, अभी इसको और खोल के देखेंगे तो इसके गियर वगैरह को भी निकाल लेंगे यहाँ पे। क्योंकि फ्रेंड्स हमें अपनी इच्छाओं को बरकरार रखना चाहिए। तो ये इसके जो गियर बॉक्स है वो निकल के आ गया बाहर एकदम, इसके अंदर गियर फिटिंग सब। और ये हो गया अपना रोटर, ये इसका रोटर है, ये मैग्नेटिक फील्ड में घूमता है। और इसके बाद है अपनी ये कॉइल एक, तो मैंने इसके अंजर पंजर को खोल के दिखा दिया। ये इसके अंदर एक कॉइल है, ये कॉइल लगी होती है जो अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाती है और इसी के अंदर यही सब कुछ है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये हो गया हमारा जो है मोटर का ऑपरेशन पूरा। और यहाँ पे भी इसको चला के देखते हैं कि ये यहाँ पे भी घूमेगी या नहीं। तो ये देख सकते हो ये घूम नहीं रही, ये घूम इस तरीके से घूमने लगी, इसको थोड़ा सा हाथ से स्टार्ट करना पड़ा। तो यहाँ पे ये एकदम अच्छी चल रही है। अब रहा है ये गियर मोटर और इसे भी यहाँ पे चला के देख लेते हैं पहले। तो ये भी चालू कंडीशन में है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से ये वर्क कर रही है। तो पहले इसको यहाँ से खोल लेता हूँ और यहाँ पे इन्होंने दो स्क्रू दिए हैं तो मैं इनको स्क्रू को हटा देता हूँ, स्क्रू को खोल लेता हूँ दोनों को। और फ्रेंड्स तब आपको इसके अंदर का सीन दिखाऊंगा क्या सीन होता है।
आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। और फ्रेंड्स, आप इसी तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हो, यानी खोल के भी दिखाइए उसके अंदर क्या होता है, क्योंकि सबकी इच्छाएं होती हैं फ्रेंड्स। मेरी तो बचपन से ही ये इच्छा रहती है कि मेरे को कोई नई चीज़ दिखी और उसको खोल के देखना। तो अगर आपके मन में यही सब चलता है तो कमेंट कीजिए, मैं इसी तरीके की आपको और भी चीज़ खोल खोल के दिखाऊंगा। तो यहाँ पर ये जो मोटर है फर्स्टली ये बाहर आ गई, और इसको खोल लेते हैं। तो ये हो गया इसके अंदर गियर, और यहाँ पर इन्होंने चार गियर दिए हुए हैं। इसके अंदर चार गियर हैं, यहाँ पे 1, 2, 3, 4। और ये सिंपल टॉय मोटर है, और ये कुछ इस तरीके से इसके अंदर फिट होती है। ये इस गियर को घुमाती है यहाँ पे, इसके बाद इससे ये गियर घूमता है, इससे ये घूमता है, और इससे ये घूमता है। इस तरीके से ये सारे गियर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं यहाँ पे, ये देखिए सब घूम रहे हैं एक दूसरे से। तो इसके अंदर तो कुछ ज़्यादा खास है नहीं, ये गियर वगैरह थे। और शायद ये मेरे पे दोबारा कसी जाए या नहीं कसी जाए, इसको तो कर दिया मैंने पूरी को ख़राब। ये देखिए इसके अंदर पंजर बिखेर दिए, इसे भी हटा लेते हैं। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट मोटर, वो एक ड्रोन की मोटर या छोटी वाली मोटर है यहाँ पे। और यहाँ पे ऐसे भी मैं ओपन कर दूंगा स्क्रू ड्राइवर से भी आपको फ्रेंड्स मैं इसी तरीके से सभी को ओपन करके दिखाऊंगा नंबर वाइज नंबर। तो मैं यहाँ पे ऐसे ओपन कर लेता हूँ, ये हो गई ओपन, और इसको थोड़ा सा आगे से प्रेस करता हूँ। तो ये इसका हो गया बैक कवर, आप देख लो इसमें दो ब्रश लगे हुए हैं। और यहाँ पे इसका ये रोटर हो गया, कितना छोटा सा रोटर है आप देख सकते हो, कितना छोटा है बच्चा बिल्कुल, इसकी जो साइज है कितनी कम है देखो। और इसके अंदर कुछ खास नहीं है, सिंपल मोटर है ये, जैसे और मोटरों में होता है, कोई गियर वगैरह या नहीं है एक्स्ट्रा। और यहाँ पे इसका ये जो ब्रश होते हैं यहाँ पे ये कनेक्ट होते हैं कुछ इस तरीके से, मैं आपको दिखा दूँ इस तरीके से, तो ये वर्क करती है। और इसके अंदर दो मैग्नेट फिटे हैं काफ़ी छोटी छोटी, ये दो मैग्नेट हैं काफ़ी छोटी छोटी इसके अंदर, जिससे इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अब आते हैं इससे भी सबसे छोटी मोटर, ये वाली जो मोटर है अपनी वाइब्रेशन मोटर। तो इसे ओपन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, तो मैं इसे जो है तोड़ देता हूँ। ये भी एकदम चालू है, इसे भी चला के दिखा दूँ आपको, मैं एकदम चालू चालू सामान को तोड़ रहा हूँ आपके लिए। ये देखिए एकदम अच्छी तरीके से वर्क कर रही है, ये भी एकदम अच्छी तरीके से चालू है और बहुत तेज़ वाइब्रेशन कर रही है। तो यहाँ पे इसे भी ओपन कर देता हूँ, थोड़ा इसे ओपन करना डिफ़िकल्ट है, इसके अंदर छोटा बहुत छोटे ग्रुप दिए हुए हैं। तो ये फाइनली मैंने ओपन कर दी, और ये हो गया इसका कवर। इसके अंदर आप देखो दो ब्रश दिए हुए हैं, जैसे सभी में होते हैं दो ब्रश नॉर्मली, कितने छोटे हैं मेरे नाखून से कितना छोटा है आप अंदाज़ा लगा सकते हो। और ये इसके अंदर रोटर, तो इसको भी हम निकाल लेते हैं यहाँ पे। पहले इसकी पुली निकाल दी, और अब इसके रोटर को भी निकाल लेता हूँ यहाँ पे, आजा भाई। तो भाई आप देख सकते हो इसके अंदर कोई कोर वगैरह नहीं है, ओनली कॉपर का वायर है, इसके अंदर कॉपर का वायर है। और यहाँ पे जो है अपने ब्रश टच होते हैं, ब्रश को टच करने के लिए भी कितना छोटा है इन्होंने सिस्टम करके दिया है। तो ये तो काफ़ी कमाल की अमेजन मोटर है, वंडरफुल दोस्त, इसे खोल के मज़ा आ गया, कितनी छोटी है मैंने कभी नहीं देखी इसको खोल के, लेकिन आज देख ली, देख सकते हो कुछ नहीं है इसके अंदर, खाली ये खोल है, इसको दबा देता हूँ तो ये दबगी, कितनी कमज़ोर है ये। और ऐसे जैसे और मोटर की तरह इसमें कोर पे है, ऐसे कोई कोर नहीं है, केवल वायर है इसके अंदर, और वायर को कुछ अजीब ही स्टाइल से वाइंडिंग किया हुआ है और यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। तो इसका रोटर कितना कमाल का है, मेरे को हंसी आ रही है। तो ये छोटी सी मोटर तो सबसे ज़्यादा कमाल की निकली मेरे दोस्त, ये इसकी पुली हो गई, कितने छोटे छोटे पार्ट्स हैं, और ये सब अपने मोबाइल को वाइब्रेट कराने में मज़ा आता है इनको। और जो है इसका कवर भी देख लेते हैं, तो इसके अंदर जो है फिक्स्ड मोटर जो है मैग्नेट बीच में फिक्स है फ्रेंड्स, और के अंदर तो साइड में होती है यहाँ पे और मोटर के अंदर, लेकिन इसमें कुछ बीच में फिक्स है। यहाँ पे आप देखो बीच में ये जो दिख रहा है होल के साइड में, ये वाला जो पार्ट है ये इसकी मैग्नेट है, और मैग्नेट के चारों तरफ घूमता है, मैग्नेट के अंदर नहीं, मैग्नेट के चारों तरफ रोटर घूमता है ये, तो इसमें बड़ी कमाल की बात है। ये देखिए एकदम रोटर फिक्स जा रहा है। तो अब इसके अंदर ये सब फ्रेंड्स, ये अपनी नेक्स्ट मोटर छोटी वाली वाइब्रेशन मोटर। तो मैं इसे भी खोल लेता हूँ प्लायर वगैरह की मदद से। यहाँ पे ये मैंने इस तरीके से दबा दी तो इसका ढक्कन खुल गया, इधर से भी दबा देता हूँ तो इसका जो ढक्कन खुल गया ओपन हो गया। अब देखेंगे इस वाइब्रेशन मोटर के अंदर, मैं पहले इसको स्पीकर समझता था फ्रेंड्स, लेकिन जब मैंने इसको चला के देखा तो ये वाइब्रेशन मोटर निकली, तो सोचा आपको भी दिखा दूं और आपके कमेंट भी थे। तो ये इसकी फ्रेंड्स वाइब्रेशन मोटर, आप देख लो इसका एक वायर तो यहीं टूट गया, और ये इसका रोटर है कितना छोटा सा है इसके अंदर, और इसमें भी ये हाफ दिया है, फुल नहीं दिया।
हाफ कट करके दिया है, फुल कट करके नहीं दिया, तो ये भी एक कमाल है। और ये घूमता है, मेरे को लग रहा नहीं है ये कितनी स्पीड में घूमता है इसके अंदर। तो यहाँ से इसका वायर टूट गया, वरना इसको भी चला के देखता मैं आपको दिखाता। ये मैंने यहाँ पर ओपन कर दी, अब इसका जो वायर टूट गया, इससे भी आगे इसको जो ऑपरेशन इसका करते हैं कि इसके अंदर और क्या निकलेगा। तो मैं यहाँ पर जो थोड़ा इसको निकाल देता हूँ, तो ये इसके ब्रश हो गए आप देखो, और ये इसका रोटर हो गया, और इस पर जो है यहाँ पे बाइंडिंग की हुई है कितनी छोटी तरीके से, आप पोस्ट करके या जूम करके वीडियो को देख सकते हो, इसका जो बाइंडिंग आपको दिख रही होगी। और यहाँ पे जो है अपने ब्रश टच कराती है, ये इसके ब्रश टच होते हैं यहाँ पे, और इसके अंदर ये जो दिख रहा है साइड में, ये जो साइड दिख रही है आपको इस वाले स्टेटर की, इसमें बीच में दो जो है अपने ब्रश दिए हैं आप देखो, यहाँ पे ब्रश दिए हुए हैं, थोड़ा दिख नहीं रहा मेरे को, दिक्कत हो रही है यार। तो ये इसके ब्रश हो गए, चलो ट्राई करते हैं इसको दोबारा फोकस कराने की। तो ये इसके ब्रश हो गए यहाँ पे, और यहाँ पे दो ये वाले, और ये जो साइड का घेरा है ये हो गया इसका मैग्नेट, ये मैग्नेट है, इस पर ये स्क्रू ड्राइवर से चिपक रही है, और ये इसका रोटर है, और इस पर जो है दो कॉइल बनी हुई है। तो फ्रेंड्स ये भी काफ़ी कमाल की निकली, और ये जो दो मोटर हैं ये तो मेरे को बहुत ही कमाल की लगी, इनको मैंने पहली बार ही खोल के देखा है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी, और तो फ्रेंड्स आप इसी तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हो, हाउ टू ओपन इन सब चीज़ का एक्सपेरिमेंट वगैरह, या इसके अंदर खोल के देखते हैं क्या होता है, तो प्लीज़ ज़रूर अपना सजेशन दीजिए, कमेंट में बताइए। और फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना, चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा देना। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, मिलते हैं किसी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।